जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, मैं स्वागत करता हूं आपका नंबर्स की दुनिया में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर ऐसा है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको 6 नंबर दिखाई दे रहा है, 33 नंबर दिखाई दे रहा है, 24 नंबर दिखाई दे रहा है या 42 नंबर दिख रहा है आपको कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी वक्त, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है। इस वीडियो में आपको इन नंबर से रिलेटेड बिल्कुल सटीक मैसेज मिलेगा। इन चारों में से कोई भी अगर नंबर आपको दिखाई दे रहा है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो मैं आपको डिटेल्स में कुछ चीजें बताने वाला हूँ वो मेरी सेल्फ कई सालों की स्टडी से मिलने वाला आपको रिजल्ट मिलेगा और हीरो महान न्यूमरोलॉजिस्ट थे उनकी पुस्तक से भी मैं आपको बहुत सारी डीप इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। लेकिन हाँ दोस्तों, मुझे याद आया कि आप लोग वीडियो को देखते हो, फुली एंजॉय भी करते हो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को जल्दी से ग्रोथ कराइए ताकि इसी तरह से मेरा मोटिवेट बना रहे और मैं आपको बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकूं। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर्स के बारे में। 6 नंबर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये नंबर सीधा रिलेट करता है आपके मटेरियल दुनिया के जीवन से, मतलब जो सांसारिक जीवन है उससे संबंधित। जब कोई मैसेज भगवान देना चाहते हैं तब आपको 6 नंबर दिखाते हैं और इस बात का वो संकेत कर रहे हैं कि आपको आने वाले जीवन में सुख सुविधाएं मिलेंगी जिससे आपका जीवन एक महत्वपूर्ण एंजॉयपूर्ण व्यतीत होगा। लेकिन यहाँ पर एक सावधानी ये है कि जो चीजें मिले उनका उपयोग सीमित तरीके से करें, बावले ना हो, भावनाओं में ना बहें, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो उनका दुरुपयोग ना करें। कुछ लोग इसे नेगेटिव नंबर मानते हैं और नेगेटिव नंबर मानने का बस यही कारण होता है कि जब हमारे पास चीजें बहुत अधिक मात्रा में आ जाती हैं तब उनका हम दुरुपयोग करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन और दूसरों का जीवन दोनों ही खराब होने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, अगर वो पैसा आप अपने जीवन को जीने में और दूसरे लोगों की मदद करने में लगाते हैं तब ये 6 नंबर आपके जीवन में पॉजिटिव प्रभाव डाल रहा है। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया और उस पैसे को आप ऐशो आराम की जिंदगी में बिता रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं और इसी तरह से बर्बाद कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वो पैसा तो आया, वो तो अच्छी चीज थी जो कि 6 नंबर दे रहा है, लेकिन उनका आपने दुरुपयोग किया, ये आपके लिए ठीक नहीं था। तो इस वजह से इसी तरह से ये 6 नंबर है कि बहुत अधिक मात्रा में आपको मटेरियल दुनिया की चीजें देता है। जैसे अगर आपके बहुत सारे सपने थे कि आपको लग्जरी लाइफ मिल जाए, आपको मोटरसाइकिल मिल जाए, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए, तो वो सारी चीजें अब ऐसा वक्त है जब आपको मिलेंगी, इस वजह से ये 6 नंबर दिखाई दे रहा है। लेकिन अत्यधिक मात्रा में मिलने पर आप उनका दुरुपयोग ना करें, ये आपके लिए सावधानी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको 33 नंबर मतलब कि 33 नंबर दिखाई दे रहा है तो इसका सिंपल सा मैसेज है कि रिश्तों को संभालिए, रिश्तों को मजबूत बनाइए। आने वाले समय में आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और आपके उन रिश्तों से आपको मदद मिलेगी, आपके जीवन में ग्रोथ होगी। चाहे वो आपके दोस्ती के मैसेज हो, दोस्ती हो, और चाहे वो फ्रेंडशिप हो, मतलब चाहे लव लाइफ हो, दोनों ही लोग आपको सपोर्ट करेंगे आप अगर रिश्ते अपने मजबूत रखते हैं। तो 33 नंबर का मतलब है कि रिश्ते मजबूत रखिए, स्ट्रॉन्ग बनाइए, वो आपके जीवन में आपको हेल्प करने वाले हैं। 42 नंबर जब आपको दिखाई देता है तो कीरो सिंपल बताते हैं कि 42 नंबर जो कहना चाहता है वही 24 नंबर भी कहना चाहता है, मतलब इन दोनों में से कोई भी नंबर दिखे एक ही मैसेज होता है। लेकिन कीरो 42 नंबर के बारे में ना बताकर 24 नंबर के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं आइए जानते हैं। 24 नंबर जब जब लोगों को दिखाई देता है तब तब उन्हें अपने सीनियर से सपोर्ट मिलता है, मतलब कि आप कहीं जॉब कर रहे हो और जो आपके ऊंची पोस्ट पर है उनसे रिश्ते मजबूत रखिए, वो आपको सपोर्ट करने वाले हैं। और जो आपकी फैमिली है उनसे भी रिश्ते मजबूत रखिए, आपके अपने पार्टनर से मजबूत रखिए रिश्ते, वो आपको सपोर्ट करने वाले हैं और आपके जीवन में ग्रोथ करने वाले हैं। आप ये समझ सकते हैं कि 24 नंबर देखने का मतलब है कि सफलता की सीढ़ी जो है वो आपके संबंध है और आपके रिश्ते हैं, और आपको मटेरियल दुनिया से जो चीजें मिल रही हैं वो साधन ही
आपके सक्सेस की सीढ़ी है, मतलब कि आपको सक्सेस तक नहीं पहुंचे हैं अभी, लेकिन जो सीढ़ियां आपको दी जा रही हैं उनका अच्छा उपयोग करने की जरूरत है, ऐसा 24 नंबर बताता है। कुल मिलाकर ये चारों के चारों नंबर बिल्कुल पॉजिटिव नंबर है। अब देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ 6 नंबर के बारे में। तो 6 नंबर जब आप पर प्रभाव डालता है तब आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, और जब इंसान के पास बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं तब कौन कौन सी प्रवृत्ति आती हैं, जब तक आप लिमिटेड उनका उपयोग करते हो तब तक आप एक अच्छे व्यक्ति रहते हो, लेकिन जब उनका आप दुरुपयोग करते हो तब वासना आती है, तब आसुरी प्रवृत्ति आपके अंदर आती है, तब नकारात्मक सोच आपके अंदर आती है, तब आप दूसरों पर मिजाज जमाने लगते हो, आप में अहंकार आ जाता है, ये सारे नेगेटिव चीजें आती हैं, तो उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत है और अपने जो आपको चीजें यूनिवर्स दे रहे हैं उनको दूसरों की भलाई में और खुद के जीवन में लगाने की जरूरत है। 6, 33, 42 और 24 नंबर का सिंपल सा मैसेज है कि आपको इन सारी चीजों में सफलताएं मिलेंगी, जैसे कि रिश्ते मजबूत बनेंगे, सम्मान मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगी, लग्जरी लाइफ मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, या इनसे संबंधित जीवन से मटेरियल जीवन से संबंधित वो सारी चीजें मिल सकती हैं जो आप चाहते हैं। तो मतलब ये जो समय है वो आपके पक्ष में काम कर रहा है। आशा करता हूँ कि ये मीनिंग, ये एक्सप्लेन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।